हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 6F का क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आकृति में PS कोण QPR का समद्विभाजक है। सिद्ध कीजिए कि QS अपान SR बराबर PQ अपान PR है। ठीक है, यही आकृति है आपका, देखिए। और कह रहा PS कोण कोण QPR का समद्विभाजक है। QPR का मतलब इस कोण का समद्विभाजक है। ठीक है, इस कोण को क्या करता है, बराबर बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो इस कोण को बराबर बराबर भागों में विभाजित किया करता है। देख लीजिए, थोड़ा सा हमारा कोण जो है गड़बड़ हो रहा है, बराबर बराबर भागों में नहीं दिख रहा है, लेकिन समझ लीजिए कि ये जितना है ना उतना यही है। ठीक है, बराबर बराबर कोण है ये। ठीक है, तो अब हम लोग को सिद्ध करना है कि जो है QS यानी कि QS अब बटे SR बराबर है PQ बटे PR के। ठीक है, तो देखिए यही जो है यही प्रमेय का जो है प्रयोग करके, इसी थ्योरम का प्रयोग करके, इसी सिद्धांत का प्रयोग करके हमने क्वेश्चन नंबर 5वां बताया था। ठीक है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, सेम इसी बेस पे जो है हमने उसको बताया है। आज इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे कि इतना बटे इतना बराबर होगा इतना बटे इतना। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को एक रचना भी करना पड़ेगा। और वह रचना जो है क्या करना है, तो इसके जो है इसके समांतर एक और रेखा खींचना पड़ेगा आगे। ठीक है, तो इसके समांतर एक रेखा हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, तो इसके समांतर हम लोग रेखा खींचते हैं और वहाँ तक खींचेंगे जितना तक जो है क्या करें, इसको बढ़ाने पर जो है प्रतिच्छेदित करें। ठीक है, तो यहाँ तक जो है हम खींच लेते हैं इमेजिंग करके। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो लगभग लगभग ये कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक आ रहा है। और इसको यहाँ से मिला देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिला देते हैं, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है रचना हो गया, किसके समांतर है, तो इसके समांतर ये खींचा गया है। इसको हम लोग जो है टी बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, कि यह टी पर जो है काटती है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, दिया है, सिद्ध करना है और उपपत्ति, इसको तो लिख लेना है। ठीक है, तो इसको लिख देते हैं। तो ये चीज़ हमने जो है लिख दिया, क्या कि जो दिया है वो, जो दिया है वो, और जो सिद्ध करना है वो, और जो है रचना। ठीक है, इतना तीन चीज़ों को हमने लिख दिया। ठीक है, और क्या लिखा है, तो दिया है ये जो है क्वेश्चन से ही जो है लिख लेते हैं। क्या दिया है, तो त्रिभुज PQR में जो है PS जो है क्या है, कोण QPR का एक समद्विभाजक है, अर्थात जो है QPS बराबर हो जाएगा कोण RPS। कहने का मतलब ये है कि QPS ये वाला कोण, QPS ये वाला कोण क्या होगा, इस कोण के बराबर होगा, समद्विभाजक है तो, यानी कि SPR के बराबर होगा। ठीक है, SPR लिखिए या चाहे RPS लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसके जो है कोण के बराबर होंगे ये दोनों कोण। अब जो है क्या करना है, सिद्ध करना है हम लोग को कि क्यू एस बटे में जो है एस आर बराबर है पी क्यू चाहे क्यू पी बटे में पी आर के। ठीक है, क्यू पी चाहे पी क्यू बटे पी आर के बराबर है। ठीक है, अब रचना हमने किया है, उस रचना को भी लिख दिया कि जो है पी क्यू को इस प्रकार बढ़ाया गया है कि जो है पी क्यू तथा जो है पी क्यू तथा आर बिंदु से जो है पी एस के समांतर एक रेखा खींचा गया है। ठीक है, पी क्यू तथा आर बिंदु से एक जो है पी एस के समांतर एक रेखा खींचा गया है, जो बिंदु टी पर जो है क्या करता है, काटता है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में सारा तर्क दे के सिद्ध करते हैं, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख देंगे उपपत्ति, उपपत्ति, उपपत्ति। ठीक है, अब देखिए ये सब जो है इसलिए लिख रहे हैं ताकि जो है परीक्षा में आप लोग ऐसे लिखेंगे तो नंबर्स अच्छे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये सब लिख रहे हैं।
ठीक है। और ऐसे ही आप लोग भी लिखिएगा जरूर, जो भी सिद्ध करने वाला होगा तो ये जरूर लिखिएगा कि दिया है और सिद्ध करना है, रचना रचना होगा तो रचना लिखिएगा, अन्यथा नहीं लिखिएगा। उसके बाद से उपपत्ति जरूर दीजिएगा। तो उपपत्ति में अब हम लोग लिखेंगे कि क्या पीएस जो है समांतर है किसके, आरटी के। पीएस समांतर है किसके, आरटी के। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने रचना से जो है इसको किया है, तो ये लिख देंगे रचना से। ठीक है, इसको लिख देंगे रचना से। उसके बाद से जो है क्या करेंगे, अब आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी कि इस कोण के, मतलब इस कोण को अगर कहें तो कोण नंबर एक अगर ले लीजिए तो कोण नंबर एक बराबर होगा इस कोण के। ठीक है, यानी कि ये भी कोण नंबर एक होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि यस पी आर, यस पी आर यानी कि कोण, कोण यस पी आर बराबर होगा कोण टी आर पी के, कोण टी आर पी के, कोण टी आर पी के, मैंने यही है ना, कोण टी आर पी के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए यह और यह समांतर अगर रेखा है और इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है, देखिए ये जो है संगत कोण बन रहा है, तो संगत कोण भी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत को मान लीजिए 2 नंबर है कोण, ठीक है, तो कोण 2 नंबर, 2 नंबर के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोण क्यू पी एस, कोण क्यू पी है, क्यू पी यस बराबर होगा कोण किसके, कोण क्यू पी एस बराबर होगा कोण पी आर पी टी आर के, पी मैंने इस ये कोण पी टी आर के, तो कोण पी टी आर के। ठीक है, अब बराबर हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग जानते हुए होंगे कि जब अब यह कोण, कोण 1 नंबर और कोण 2 नंबर जो है दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं, तो इसलिए यह कोण और यह कोण जो है क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि कोण 2 बराबर हो जाएगा, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 1 के, हैं। तो जब दोनों कोण ये आपस में बराबर हैं तो बराबर कोण के समूह कोण भी जो है, भुजा भी जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये भुजा जो है किसके भुजा के बराबर है, इस भुजा के। यानी कि इससे सिद्ध हो रहा है कि जो है भुजा जो है अब बराबर भुजाएं हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ये भी लिख दीजिएगा कि भाई कौन से कोण है, माने यह कोण जो है कौन सा बना है, कोण 1 नंबर, एक एक नंबर वाला कोण एकांतर कोण हो रहा है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ये भी लिख दीजिएगा साइड में। ठीक है, ताकि एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चा होशियार है, समझदार है। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा संगत कोण, इसको कहते हैं संगत कोण। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, छूट गया था। ठीक है, ये लिखना जरूरी है। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, हाँ अब जो है हमने क्या बताया कि जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया, यानी कि अब हम लोग लिख सकते हैं, इससे क्या पता चलता है, इससे हम लोग लिख सकते हैं कि कोण, इससे जो हम लोग लिख सकते हैं कि जो है अब यहाँ पे देखिए ये जो है कोण, ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है यहाँ पे। अभी हम लोग जो है यहाँ पे लिखे हैं कि कोण जो है यह जो है इसके बराबर है, समद्विभाजक है, तो यहाँ भी दिखा देंगे कि कोण जो है क्या है, क्यू और पी यस बराबर हो जाएगा कोण आर और पी यस के, यह जो है दिया गया है, दिया गया है, यह जो है दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, इसी में लिखे हैं कि ये दोनों समद्विभाजक कोण होंगे तो ये बराबर होंगे आपस में। तो यह जो है कोण जो है आपस में बराबर हैं, तो चूंकि यह कोण इसके बराबर है और यह कोण जो है इसके बराबर है, तो यह कोण भी आपस में बराबर होंगे। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि कोण क्या, कोण ये वाला कोण पी टी आर, कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा कोण, कोण पी टी आर बराबर हो जाएगा कोण टी आर पी के, कोण टी आर पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको जो है बराबर हो जाएगा, और किससे बराबर होगा, तो इसको समीकरण नाम दे दीजिए, 1 नंबर आ 2 नंबर आ 3 नंबर, आई 2 नंबर हो गया, आई 3 नंबर, तो समीकरण 1, 2, 3 से, समीकरण 1, 2 और समीकरण नंबर 3 से
ये जो है बराबर हो रहा है, इन्हीं सब तर्कों से बराबर हो रहा है ना भाई। यह कोण इस कोण के बराबर है, यह कोण इस कोण के बराबर है। चूंकि यह कोण और यह कोण क्या है, बराबर है। कोण पी और कोण जो है क्या आर, आपस में बराबर है, तो इसलिए यो आपस में बराबर होगा, होगा ना जी। तो इसीलिए जो है ये जो है ये बराबर हो जा रहा है पी टी आर, अच्छा है टी आर पी, मैंने यह कोण बराबर होगा इस कोण के, पी टी आर है ना, कोण पी टी आर ये है ना, पी टी आर बराबर होगा कोण टी आर पी के। हो गया, बराबर हो गया समीकरण नंबर किस से, 1 2 3 से। समीकरण नंबर 1 2 3 के तर्क से जो है क्या हो गया, ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। और जब यह कोण इस कोण के बराबर होगा तब क्या होगा भाई, अब देखिए बराबर भुजाओं के जो है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 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 त्रिभुज पी आर टी में, पी आर टी में, पी आर टी में, इसलिए त्रिभुज पी आर टी में, इसलिए त्रिभुज पी आर टी में भुजा जो है कौन सा बराबर होगा, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर होगा, यानी कि पी टी भुजा जो है बराबर होगा किसके, पी टी भुजा बराबर होगा, पी टी भुजा बराबर हो जाएगा, पी टी भुजा बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक है, पी आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जो क्या किया, यही जो हम लोगों को विशेष रूप से सिद्ध करना था कि पी टी जो है किसके बराबर हो रहा है, तो पी आर के, ठीक है। या अब इसको समीकरण नंबर आप लोग 4 कह लीजिए, ठीक है, काम आएगा, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब हम लोग देखते हैं क्या कि त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज कि त्रिभुज, अब देख रही है, देख लीजिए आप लोग, ये जो है इसके समांतर है, जब ये इसके समांतर है तो थेल्स प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, इसको सिद्ध करने में। तो जो है लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में, लिखेंगे त्रिभुज क्यू टी आर में। अब यहाँ पे लिखेंगे अब त्रिभुज क्यू टी आर में, क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में क्या है, तो पी एस जो है क्या है, समांतर है किसके, पी एस समांतर है टी आर के। तो जब पी एस जो है टी आर के समांतर है, तो थेल्स प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो है समांतर किससे, हम लोग रचना से लिखे हैं, तो रचना लिख देंगे हैं। अब जो है थेल्स का प्रमेय लगा देंगे, ठीक है, थेल्स के अनुपातिक प्रमेय से, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स के अनुपातिक प्रमेय से, थेल्स के अनुपातिक प्रमेय से, मतलब थेल्स का पहला प्रमेय था कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, नहीं त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, हाँ किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उन दो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, माने इस भुजा के समांतर कोई रेखा खींच दिया जाए, तो शेष अन्य दो भुजाओं को, यानी कि ये शेष दो अन्य भुजाएं हैं ना, इनको बराबर बराबर अनुपात में विभाजित करती है। यह जो है थेल्स का प्रमेय था। तो इसी प्रमेय से हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि क्यू एस बटे एस आर, क्यू एस बटे एस आर बराबर हो जाएगा क्यू पी अब बटे में पी टी के, क्यू पी बटे टी पी, चाहे पी टी, क्यू पी बटे पी टी, ठीक है। मैंने कहने का मतलब ये है कि थेल्स का प्रमेय क्या है कि जब ये जो है इसके समांतर है, तो शेष अन्य दो भुजाओं को ये बराबर अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि इतना क्यू एस बटे एस आर बराबर हो जाएगा क्यू पी बटे पी टी। अब पी टी जो है किसके बराबर है, तो पी आर के बराबर है। तो इसीलिए अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे क्यू एस बटे एस आर बराबर अब सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू पी, यहाँ पे देखिए पी टी बराबर हम लोगों ने माना है पी आर, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू पी तो रहेगा ही रहेगा, अब बट्टे में पी टी के जगह यहाँ पर पी आर रख देंगे, क्योंकि बराबर है, क्योंकि जो है क्या है,
पी टी बराबर है पी आर के, क्योंकि पी टी बराबर है पी आर के, तो पी टी की जगह यहाँ पर पी आर नहीं रख देंगे, ठीक है। तो हमने लिख दिया पी टी बराबर है पी आर के, तो यहाँ पे रख दिया पी आर, ठीक है। तो जो है अब जो है हम लोग का ये जो है सिद्ध हो गया, क्या यह सिद्ध हो गया, और यही सिद्ध करना था कि जो है क्यू एस बटे एस आर बराबर होगा क्यू पी बटे क्यू पी कहिए, चाहे इसको जो है पी क्यू कहिए, बात बराबर है, और इसको बटे पी आर, तो यह है मैंने यहाँ पे लिख दे रहा है सीधा सीधा। तो क्या है क्यू एस बटे एस आर बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू, इसको पी क्यू भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब बटे पी आर के, ठीक है। यही हम लोग को जो है सिद्ध करना था, तो यह जो है सिद्ध हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है। एक नज़र फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने जो है सबसे पहले क्या किया भाई, इसको सिद्ध करने के लिए इसके एक समांतर जो है एक रेखा खींच दिया। तो कैसे खींचते हैं, इसको इतना बढ़ाते हैं जहाँ तक ये दोनों आपस में मिल जाए, तो दोनों जो है मिल गए टी बिंदु पे, तो हमने जो है इसको जो है रचना कर दिया टी बिंदु पे मिला के। अब जो हमने क्या किया, दिया है उसको लिख लिया, तो क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एस जो है कोण क्यू पी आर का जो है क्या एक समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब उसको बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो हमने जो है मैंने इस कोण को जो है पी कोण है ना, तो कोण पी को जो है यह जो है पी एस जो है क्या कर रहा है बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये लिख दिया जो है क्यू पी एस बराबर होगा कोण आर पी एस के, ठीक है। अब सीध हम लोग को क्या करना है, ये दिया हुआ है, तो क्यू एस बटे एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे पी आर के, जो है यही सिद्ध करना है, ये जो हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसके लिए जो हमने रचना किया वो जो है यहाँ पे रचना का भी जो है दर्शा देंगे, ठीक है। क्या कि क्यू पी तथा बिंदु आर से पी एस के समांतर एक रेखा खींचा जो बिंदु टी पर जो है मिलता है, ठीक है, ये जो है स्पष्ट कर दिया। अब जो उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे कि पी एस समांतर होगा आर टी के रचना से, पी एस समांतर है आर टी के, यह रचना से है। तो जब पी एस जो है समांतर है, पी एस रेखा जो है आर टी के जो अगर समांतर है, तो क्या होगा कि कोण एस पी आर बराबर होगा कोण टी आर पी के, क्योंकि एकांतर कोण होंगे, यह वाला कोण यानी कि एस पी आर एक नंबर कोण जो है किसके बराबर होगा, इसके जो है बराबर होगा, ठीक है, इस कोण के, ये भी एक नंबर होगा, तो पी आर टी के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया पी आर टी के बराबर है, चाहे पी आर टी कहिए चाहे टी आर पी कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कांतर कोण हो गया। अब इसी प्रकार जो है कोण क्यू पी एस बराबर हो जाएगा पी टी आर के, क्योंकि जो है संगत कोण है, इसको आप लोग जो है कापी पे नोट करके और जो है साथ साथ लिखते जाएंगे तब जाके फिर से समझ में आएगा, ठीक है। तो संगत कोण हो गया, अब जब संगत कोण बराबर हो गया, एकांतर कोण बराबर हो गए, तो बराबर हो गए तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि यह कोण जो है इसके बराबर है, यह कोण इसके बराबर है, तो यह कोण इसके बराबर हो जाएगा और यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्यू पी एस बराबर हो जा रहा है आर पी एस के, यह जो है दिया गया है कि क्यू पी एस बराबर है आर पी एस के, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर है, तो इसलिए यह कोण जो है इस कोण के बराबर हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो जो है हम लोग लिखेंगे समीकरण एक दो तीन से, समीकरण नंबर मान लिए है ना एक दो तीन, तो समीकरण नंबर एक दो तीन के तर्क से जो है यह सिद्ध हो रहा है कि कोण पी टी आर बराबर होगा कोण टी आर पी के, ठीक है। तो जब ये बराबर कोण है, जब यह कोण और यह कोण बराबर है, तो इसके सामने वाली भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होगी, यह एक परमेय है, ठीक है। तो ये भुजा बराबर हो गया, तो यहाँ पे हमने जो है लिख दिया कि जो है त्रिभुज पी टी आर में भुजा क्या है, पी टी भुजा बराबर है पी आर के, ठीक है, इसको समीकरण नंबर चार दे दिया। अब हमने जो है क्या किया कि क्यू टी आर में, त्रिभुज क्यू टी आर में जो है पी एस समांतर है टी आर के रचना से, जो है हम लोग पहले ही जो है ज्ञात कर चुके हैं, तो इसलिए थेल्स का अनुपातिक प्रमेय लगा देंगे। तो थेल्स के अनुपातिक प्रमेय क्या कहता है कि किसी थेल्स का अनुपातिक प्रमेय जो पहला ही प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जो है अलग अलग अनुपात में विभाजित करती हैं, मैंने बराबर अनुपात में अलग अलग भुजाओं में बराबर अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात जो है क्यू एस बटे एस आर बराबर हो जाएगा क्यू पी बटे पी टी के, ठीक है।
एक अनुपात में विभाजित करती है, तो जो है यही अनुपात में विभाजित करती है। तो अब देखिए यहाँ पे क्यू पी बटे पी टी है, ठीक है। और चूंकि हम लोग पी टी बराबर जो है सिद्ध कर चुके हैं कि पी आर के बराबर है, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग क्यू एस बटे एस आर बराबर होगा क्यू पी बटे पी आर के, ठीक है। और यही हम लोगों को सिद्ध करना है कि क्यू एस बटे एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू, मैंने क्यू पी को जो है पी क्यू लिख सकते हैं बटे पी आर के, ठीक है। तो यही हम लोगों को सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम हो गया, ठीक है। तो आशा करते हैं कि दोस्तों यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। वीडियो को अगर पूरा देखना है तभी जो है सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, अन्यथा जो है मत कीजिएगा। सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं है अगर वीडियो को आप लोग पूरा नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।